नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया का चमकता सितारा है। अपने बेबाक अंदाज की वजह से वो सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। सियासत में एंट्री से पहले उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। आज भी लोगों की नजरों में उनकी छवि एक परफेक्ट बहू की है। आज स्मृति का जन्मदिन है, उनके बर्थडे पर आइए आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। स्मृति का जन्म साल 1976 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पंजाबी और माँ असम की थी। उनके पिता कुरियर कंपनी चलाते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मृति ने करस्पोंडेंस से बीकॉम में दाखिला लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोर्स वो पूरा ना कर सकी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उन्होंने अपने पिता की मदद करने की सोची। उन्होंने वेट्रेस तक का काम किया और बाद में ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी की है। इस दौरान उन्हें किसी ने मुंबई जाकर किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए माया नगरी का रुख कर लिया। उन्होंने साल 1998 में मिस इंडिया का ऑडिशन दिया और उनका चयन हो गया। इस फैसले पर पिता सहमत नहीं थे, जैसे हर मुझे लगता है आम घर के पिता नहीं होते हैं सहमत, जो स्पेशली मिडिल क्लास जो होते हैं, उस वर्ग के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे बच्चों के लिए नहीं और ये सब ठीक जगह नहीं है। तो सिमिलरली उनके पिता भी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। लेकिन स्मृति को उनकी माँ का पूरा साथ मिला। उन्होंने अपनी बेटी को पैसों का इंतजाम करके दिया। इस प्रतियोगिता में स्मृति ने फाइनल तक अपनी जगह बनाई, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद भी लगातार ऑडिशन देती रही। एक्टिंग में उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक एकता कपूर ने दिया। साल 2000 में उन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल मिल गया। इस शो में वो घर घर में फेमस हो गई। देश भर में फेमस होने के बाद साल 2003 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद वो राजनीति की दुनिया में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। उन्होंने अगले ही साल पार्टी ने महिला विंग का उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद उन्हें साल 2010 में महिला विंग का अध्यक्ष और भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 2014 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में चुनावी मैदान में उतारा। और अमेठी इसलिए बड़ी बात है क्योंकि अमेठी जो की है सदियों से राहुल गांधी यानी कांग्रेस की फिक्स सीट चली आ रही थी। हालांकि ये चुनाव वो उस वक्त हार गई 5 साल बाद, लेकिन जब 2019 के चुनाव में उन्होंने दोबारा इस सीट से अपनी किस्मत आजमाई तो उन्होंने राहुल गांधी को भारी मतों से हरा दिया था। मौजूदा समय में वो मोदी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि आज भी जब वो बोलना शुरू करती हैं तो उनके सामने बड़े बड़े नेता फीके पड़ जाते हैं। आप भी स्मृति ईरानी को लेकर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही न्यूज नेशन और एनएन बॉलीवुड को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।